बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड किचन। कैसे हैं वीवर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आज कराची का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, बारिश हो रही है, तो दिल किया कुछ मीठा और कुछ क्रिस्पी क्रिस्पी खाएं। तो सबसे पहले मैं सूजी का हलवा बनाने लगी हूँ। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, साथ में आलू और प्याज के पकौड़े बनाऊँगी, उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने मेरे साथ बने रहना। एक प्याली सूजी है, सेम उतनी ही चीनी हमने ली है, और गार्निश के लिए बादाम, जो भी आपके पास नट्स हों वो आप ले सकते हैं। तो तकरीबन एक पाव के करीब ही सूजी है और एक पाव ही चीनी है। तो ये बहुत मज़े का और यम्मी सा मीठा बनता है, तो मेरे साथ बने रहे, सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। जी व्यूअर्स, एक प्याली जो है वो सूजी की है, तो हम इसे जो चुगना पानी, मतलब कि चार गुना पानी डालेंगे। एक प्याली सूजी तो चार प्यालियाँ ही पानी की डालेंगे। इधर मैंने चार प्यालियाँ पानी डाल के तीली पे रख दी है। पानी को जैसे ही वो बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी जैसे मेल्ट होगी तो पानी को हम अच्छे उतार लेंगे, फिर हम सूजी को फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो गया, तो अभी हम अपनी चीनी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आप इलायचियाँ भी, सब्ज इलायची छोटी जो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैंने स्किप कर दिया। जो मेरे पास चीज़ें हैं वो भी मैं डाल के तो बहुत मज़े का और डिलीशियस किस्म का हलवा रेडी करूँगी। तो आपने मेरे साथ बनाना है, सब स्टेप फॉलो करने हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। अगर पानी देखो बॉयल आ गया, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो अभी हम पानी को इस जग में पानी के साथ स्टेन कर लेंगे, और फिर हम सूजी को ऑयल में या देसी घी में या डालडा ऑयल डालडा घी में फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अभी मैंने तीली को अच्छे से साफ करके धो लिया था, तो इसमें मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल डाला, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया था, तो देखो माशाल्लाह से अभी हम डालेंगे इस बिल्लाई, और देखें अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो अभी हम खुशबू आने तक इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। चम्मच मसलसल लग जाना ताकि इसकी गुटलियाँ ना बने और क्रिस्पी सा मज़ेदार सा बने। मेरी अम्मी ऐसे बनाती होती थी, उन्होंने मुझे सिखाया। देखें फ्राई खुशबू आने लगी है और ये फ्राई भी होना शुरू हो गया। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने कलर ज़्यादा ब्राउन करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं, वाइट ही रखना है तो कर लें, लेकिन मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आँच को हम कर देंगे थोड़ा सा स्लो, करेंगे ब्राउन कलर का। हाँ जी, अभी मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी, दो लिया मैंने, ताकि ये भी सारी फ्राई हो जाए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं आप।
जी तकरीबन ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है, देखें, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो मैं अभी इसमें जो मीठे वाला पानी मैंने रेडी किया है वो डाल देंगे। और पानी डाल के मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसकी गुटलियां ना बने। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, अभी जैसे ही ऑयल आएगा ऊपर तो फिर हम इसको उतार लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हलवा हमारा रेडी है। देखो माशाल्लाह से हलवा हमारा रेडी है सूजी का, बहुत ही ज़बरदस्त बना है और खुशबुएँ बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अभी हम इसमें बादाम डाल के इसको रख लेते हैं और अपने पकौड़े रेडी करते हैं। जी व्यूअर्स, अभी हम रेडी करते हैं आलू और प्याज के पकौड़े, जिनमें ये मैंने तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा और एक पाव से कम आलू हैं जिनको मैंने ब्रिक ब्रिक कटिंग करके अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। तो ये हम इस बर्तन में डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जितने आलू हों उतने ही प्याज लेने हैं। प्याज को भी मैंने बहुत अच्छे से धो के तो ये लंबा लंबा कटिंग कर लिया है, इनको भी हम डाल लेंगे। फिर एक आधा टमाटर है, कुछ सब्ज मिर्च है, वो भी हम डाल देंगे। बहुत मज़े के और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। एक प्याली बेसन इस डाल लेंगे, बेसन को हमने अच्छे से छान लिया। और जो इधर ड्राई मसाले हैं मैं आपको दिखा दूँ, दो चम्मच, एक चम्मच भर के सूखी मेथी, हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच हल्दी, एक चम्मच भर के नमक और एक चम्मच भर के ही लाल मिर्च, थोड़े से क्रिस्पी हों तो भी अच्छे लगते हैं, ये भी हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और एक अंडा डालेंगे, अंडे से जो है वो पकौड़े जो है वो बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से कर लेंगे, चम्मच से कर लेंगे, हाथों की मदद से करेंगे। बिस्मिल्लाह, हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और नमक मिर्च चेक कर लूँगी, अगर कम ज़्यादा हुआ तो और डाल देंगे। देखें मिक्सचर मेरा रेडी है पकौड़े का, और इधर हमारा घी भी ऑयल भी गर्म हो चुका है। मैंने ऑयल उतना ही डाला जितनी मुझे ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ऑयल फिर ख़राब जाता है, तो इसलिए जितनी की मुझे ज़रूरत है। अभी हम पहले चेक करते हैं कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। अभी नहीं गर्म हुआ, आँच को हम तेज़ कर देंगे, जैसे ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसमें अपने पकौड़े डालना शुरू कर देंगे। मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त और सारे मसाला इक्वल है, नमक मिर्च जो भी मैंने डाली हर चीज़ इक्वल है। जी तो व्यूअर्स, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत ही बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है और बारिश के मौसम में क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े हैं, मज़ा आ जाता है। नहीं नहीं जी तो वीवर, देखें माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े रेडी हैं, साथ कैचअप है।
तो हम केचप के साथ पकौड़े रेडी करेंगे, साथ हमारा हलवा भी रेडी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक कर रही है और बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बना है, और चीनी बिल्कुल परफेक्ट है और घी भी बिल्कुल परफेक्ट है, और पकौड़े भी बहुत मज़ेदार और यम्मी हैं। आप भी मेरी वीडियो देख कर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना, और कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक देना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। अभी दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।